आज से 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने कुरान ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। दोस्तों, भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी, तो वहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे, तो भगवान शिव ने उन्हें ये बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को अब सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को भी नहीं आना है, थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमणकारियों ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहास का हांडा मीर के अनुसार यहां पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज हो जाते हैं तो वहां प्राकृतिक प्रलय आने लगते हैं। इसीलिए आज हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में मोहम्मद के जन्म से पहले कई हजार वर्ष पहले बता दिया गया था। भविष्य पुराण के खंड 3 में लिखा हुआ है, लिंग छेदि शिखायना समश्रुधारी शदुका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौल च पशवस्तेषा भक्ष्या मता मम मुसले नैव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातियो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मच भविष्यति मया कृता। अर्थात रेगिस्तान के धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर काल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्र भाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे, राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वो अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा उनकी कथाओं का वर्णन भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक और आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आलाउदल के इतिहास का प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं श्री शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवत पुराण के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, ये है हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा नमूना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। जय हिंद।